स्पॉटिफाई का रिकमेंडेड सिस्टम एक मैथमेटिकल मॉडल पर बेस्ड है। स्पॉटिफाई वर्ल्ड का बेस्ट ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। चाहे आपको सॉन्ग सुनना हो, ऑडियो बुक सुननी हो, पॉडकास्ट सुनना हो, यहाँ सब मिल जाता है, और वो भी आपके टेस्ट के हिसाब से। अब कल की बात है कि मेरा मूड इतना खराब हो रखा था कि मैंने स्पॉटिफाई ऑन करके चन्ना मेरिया सॉन्ग लगा दिया। अब उसके बाद स्पॉटिफाई ने एक के बाद एक ऐसे सिमिलर सॉन्ग सजेस्ट किए कि मैं वो सारे सॉन्ग सुनती गई। और तुम मुझे पका रही थी ये सब सुना के। और इतना टाइम स्पेंड करने के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि आखिरकार स्पॉटिफाई को पता कैसे लगा कि मुझे ये सॉन्ग पसंद आएंगे और मैं बिना स्किप किए ये सॉन्ग सुनूंगी। क्योंकि देखा जाए तो स्पॉटिफाई के अंदर मिलियंस ऑफ सॉन्ग्स है, और अगर जॉनर की बात की जाए तो ऑफिशियली इस टाइम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 5958 जॉनर्स स्पॉटिफाई रिकॉग्नाइज करता है। अभी नीरू जांबा बलालाई का मूग ऐसे ऐसे जॉनर्स का नाम सुना है, और अगर नहीं सुना है तो everynoise.com पे आप ये लगभग 6000 जॉनर्स की लिस्ट को इंडिविजुअली सिलेक्ट करके आप सुन सकते हो। अमेजिंग राइट। अगर मैं अपने स्पॉटिफाई की बात करूँ ना तो डिस्कवर वीकली वाले प्लेलिस्ट की बात करूँ तो उसमें सबसे टॉप पे सॉन्ग पड़ा हुआ था कैफी खलील का कहानी सुनो। जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ था, सुना सुना के पोर कर दी हूँ। स्पॉटिफाई का ना अपना ही एक रिकमेंडर सिस्टम है जो इस पूरी चीज को संभालता है। स्पॉटिफाई का रिकमेंडर सिस्टम एक मैथमेटिकल मॉडल पर बेस्ड है। इस मैथमेटिकल मॉडल को ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे जितने भी लिसनर्स है स्पॉटिफाई पर उन तक ऐसे आर्टिस्ट के सॉन्ग्स पहुंचाए जाए जिनको लिसनर्स पसंद करें बिना स्किप किए सुने। आखिरकार स्पॉटिफाई को भी तो अपनी दुकान चलानी है। स्पॉटिफाई के दो ही मकसद है कि लिसनर्स जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें सॉन्ग्स पॉडकास्ट सुनने में, और दूसरा मोटिव है कि अगर आप फ्री सब्सक्राइबर हो तो आप पेड सब्सक्राइबर बन जाओ स्पॉटिफाई पे। और इन दो मोटिव्स को अचीव करने के लिए स्पॉटिफाई ने बहुत ही तगड़ा एल्गोरिथम डिजाइन किया है जिसका नाम है बार्ट। अब ये बार्ट एल्गोरिथम दो मोड्स के बीच स्विच करता रहता है, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग और कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग। कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग का एक ही मुद्दा है कि ऐसे यूजर्स जिनका सेम म्यूजिकल टेस्ट है वो क्या सॉन्ग सुन रहे हैं। आखिरकार अगर आपको भोजपुरी सॉन्ग पसंद है तो रातों रात आप केपॉप तो सुनने लग नहीं जाओगे। स्पॉटिफाई अपने मिलियंस ऑफ यूजर्स को अपने मिलियंस ऑफ सॉन्ग्स के डेटाबेस से मैच कराता है। अब इस टेबल को और सिंपलीफाई करके समझते हैं। अगर मेरा और जूलियन का म्यूजिकल टेस्ट सेम है तो कोलैबोरेटिव फिल्टर जो है वो मेरी प्लेलिस्ट से कुछ सॉन्ग्स उठाकर जूलियन को रिकमेंड करने लग जाएगा, और इस तरह स्पॉटिफाई ने मुझे केपॉप से इंट्रोड्यूस कराया। पर स्पॉटिफाई कोलैबोरेटिव फिल्टर पर ज्यादा रिलाय नहीं कर सकता, और वो इसलिए क्योंकि शायद जूलियन को केपॉप म्यूजिक पसंद ही ना आए, शायद वो उसे स्किप ही कर दे, या फिर बार बार रिपीटेडली उसी टाइप के सिमिलर सॉन्ग सुन के जूलियन बोर हो जाए। ऐसे में बार्ट एल्गोरिथम कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग की तरफ देखता है, और कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग का पहला मॉडल है नेचुरल लैंग्वेज बेस्ड प्रोसेसिंग मॉडल, और इसका काम है सॉन्ग से रिलेटेड जितने भी टेक्स्ट है उसको एनालाइज करना। ये मॉडल हर एक सॉन्ग के लिए पूरा का पूरा वर्ड बैंक तैयार करके रखता है, जैसे सॉन्ग के लिरिक्स से, वेब क्रॉल डेटा से, जिससे पता चले कि म्यूजिकल ब्लॉग्स पे और सोशल मीडिया साइट्स पर लोग इस सॉन्ग के बारे में क्या बात कर रहे हैं। स्पॉटिफाई ने पूरा एक वर्ड बैंक तैयार कर लिया चन्ना मेरिया सॉन्ग के लिए। एक ऐसी लिस्ट एकोनिस्ट कंपनी ने जनरेट की थी जो कि स्पॉटिफाई ने एक्वायर कर ली थी 2014 में, क्योंकि एकोनिस्ट एक म्यूजिकल इंटेलिजेंस कंपनी है। एकोनिस्ट ने स्वीडिश पॉप ग्रुप आबा के लिए एक ऐसी ही टेबल जनरेट की थी। एक तरफ आबा से रिलेटेड नाउन फ्रेजेस है और एक तरफ आबा से रिलेटेड एडजेक्टिव फ्रेजेस है, और इस टेबल के हिसाब से अगर आप आबा के फैन है ना तो आपको मोस्ट लाइकली पर्की और नॉन वायलेंट सॉन्ग्स पसंद आएंगे। तो इसी हिसाब से अगर आप अरिजीत सिंह के फैन हो, चन्ना मेरिया सुनते हो ज्यादातर, तो आपको ऐसे सॉन्ग्स पसंद आएंगे जो सोलफुल हो भले ही वो किसी और आर्टिस्ट के हो। तभी कहानी सुनो जैसा सॉन्ग तुम्हारे डिस्कवर वीकली पे आया, पर उन आर्टिस्ट का क्या जो बहुत न्यू है इस म्यूजिक के फील्ड में, उनसे रिलेटेड कोई भी डेटा आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा और ना ही उनके सॉन्ग्स किसी भी यूजर जनरेटेड प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। इसके लिए स्पॉटिफाई कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग के दूसरे मॉडल पे रिलाय करता है, रॉ ऑडियो एनालिसिस। ये ऐसा मॉडल है जो म्यूजिक से रिलेटेड दूसरे डेटा पे रिलाय नहीं करता, ये म्यूजिक को एनालाइज करता है, और ये मॉडल तभी से रन करना शुरू कर देता है जब कोई भी ऑडियो फाइल स्पॉटिफाई के डेटा बेस में एंटर करती है। स्पॉटिफाई में अवेलेबल हर एक ऑडियो फाइल को मेल स्पेक्ट्रोग्राम
टर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि बेसिकली टाइम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन होता है ऑडियो का। और ये स्पेक्ट्रोग्राम बनता है फूरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से। हाँ, वही मैथमेटिकल फॉर्मूला जो हमने हायर लेवल क्लासेस में पढ़े थे मैथ्स में। इस स्पेक्ट्रोग्राम को फीड किया जाता है एक न्यूरल नेटवर्क मॉडल में। ये मॉडल ऑडियो की रिवर्स इंजीनियरिंग करके हर एक डिटेल को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। अब जैसे चन्ना मेरे सॉन्ग को ही ले लो, तो किस टाइम पे एक कोरस शुरू हो गया, किस टाइम पे वर्स शुरू हो गया, किस टाइम पे शहनाइयां बज रही थी, किस टाइम पे सारंगियां बज रही थी, तो ये सारी चीजें जो है ना हर डिटेल में निकल के आ जाती हैं। तो ऑडियो फाइल का पोस्टमार्टम कर लेने के बाद कई सारे ऑडियो मैट्रिक्स निकाली जाती हैं इस न्यूरल नेटवर्क की हेल्प से। और इन्हीं ऑडियो मैट्रिक्स की हेल्प से दूसरे सिमिलर सॉन्ग्स को खोजा जाता है जो आपको सजेस्ट किया जा सके। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं 3 मैट्रिक्स का डिस्कस करूंगी चन्ना मेरे सॉन्ग के लिए। अगर डांसेबिलिटी देखी जाए तो बहुत ज्यादा आप डांस तो करोगे नहीं ये सॉन्ग सुन के, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बीच में आएगा डांसेबिलिटी फैक्टर। एनर्जी की बात करूं तो काफी लाउडनेस तो है ही, बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं सॉन्ग में। और जहां तक बैलेंस की बात है, मतलब कि ये सॉन्ग सुन के आपको कितनी पॉजिटिविटी फील होती है या नेगेटिविटी फील होती है, तो बहुत अच्छा तो फील नहीं होता क्योंकि ये सैड सॉन्ग की कैटेगरी में आता है, तो उस हिसाब से हम अपने पॉइंटर को एडजस्ट करेंगे। और इस हिसाब से कहानी सुनो सॉन्ग के ज्यादा चांसेस है मुझे सजेशन में मिलने के बजाय झूमे जो पठान सॉन्ग के, क्योंकि उसका डांसेबिलिटी फैक्टर हाई है, पॉजिटिविटी सॉन्ग की बहुत हाई है। तो Spotify, रॉ ऑडियो एनालिसिस, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इन तीनों ही एल्गोरिथमिक मॉडल्स का यूज करके आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस के लिए प्लेलिस्ट जनरेट करके देता है आपको, ताकि आप उनका प्लेटफॉर्म छोड़ के जाओ ही ना और आप पेड सब्सक्राइबर बन जाओ। तो तुम कब प्रीमियम सब्सक्राइबर बनोगी? यार जूलियन एक बात बताओ, 350 सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, तो मैं पैसा लगा के गाना क्यों सुनूं? हम तो फ्री में ही सुनेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाना, तो ऐसे ही और भी वीडियोस हैं टेक से रिलेटेड जो मैंने एक्सप्लेन प्लेलिस्ट में बनाए हैं। जैसे कि इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे अवतार 1 और अवतार 2 मूवी बनाने में न्यू टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया गया था। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।